किसान आंदोलन के नाम पर अभिनेता अजय देवगन की गाड़ी को रोक लिया गया, यह बड़ी खबर आई है। मुंबई के गोरेगांव फिल्म सिटी के बाहर उसे रोका गया। आरोपी का नाम राजदीप सिंह बताया जा रहा है, जिसने अजय देवगन की कार को रोका, हंगामा किया और यह शख्स लगातार अजय देवगन से पूछ रहा था कि किसान आंदोलन के समर्थन में अब तक अजय देवगन ने कोई ट्वीट क्यों नहीं किया। हालांकि उसके बाद जानकारी पुलिस को मिली तो उसने आरोपी राजदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। किसान आंदोलन पर अजय देवगन की चुप्पी से वो नाराज था। राजदीप ने अजय देवगन को पंजाब का दुश्मन भी बताया। पंजाब के खिलाफ रोटी रोटी कि बच दी है, रोटी कि बच दी है। सरदार राजदीप सिंह, राजदीप ने सिंघम का रास्ता रोक लिया। उन्हें यूं ही 15 मिनट तक बेबसी की हालत में कार के अंदर कैद रहने पर मजबूर कर दिया। फिल्मों का सीन होता तो क्या होता आप समझ सकते हैं, लेकिन ये असल जिंदगी का ड्रामा था। हालांकि इसमें फिल्मी मसाले की कोई कमी नहीं थी। यूं तो अजय देवगन विवादों से दूर रहना ही पसंद करते हैं, लेकिन मुंबई में बीच सड़क पर उनका सामना बिन बुलाए विवाद से हो गया। गड्डी उतर जाएगा मेरे। सरदार राजदीप सिंह दुखी हैं, अजय देवगन को ताने दे रहे हैं। उनका सवाल है कि वे किसान आंदोलन पर कुछ कहते क्यों नहीं। पंजाब के खिलाफ हो, शर्म करो। मारे आप अजय देवगन है, देख लो पर्दे की दुनिया अलग होती है, असल जिंदगी कुछ और। इन सरदार जी ने दोनों का घालमेल कर दिया और यहीं गलती कर दी। इन्हें तकलीफ है इस बात की कि अजय देवगन पर्दे पर पग पहनते हैं तो असल जिंदगी में सिख किसानों का समर्थन क्यों नहीं कर रहे। गड्डी उतर जाएगा मेरे। मेनू पता, गल करूंगा, उतर के गल करूंगा। गल करे गड्डी काट के लग जाऊंगा। वैसे फिल्मी दुनिया को कद्र करनी चाहिए ऐसे दिलवाले फैंस की, जो पर्दे की चीजों को अक्सर हकीकत मान बैठते हैं, हकीकत मानकर दिलों में उतार लेते हैं, किरदारों को सिर माथे पर बिठाते हैं। दिलों के सुनने वाले ऐसे ही फैंस से सेलिब्रिटी का वजूद है बॉलीवुड बुलंदियों पर। पंजाब के खिलाफ शर्म करो। शायद यहाँ जो कुछ हो रहा है वह अजय देवगन का विरोध कम, उनसे लगाई गई आस टूटने का दर्द ज्यादा है। शर्म है नहीं, देख लो आ बैठा। शायद तभी राजदीप के साथी का कहना है कि उसने तो सिर्फ किसानों के लिए समर्थन मांगा था, इतनी सी बात के लिए गिरफ्तारी क्यों। भाविक होके उन्होंने जाके मतलब पूछा कि मतलब कहाँ तक, कहीं ना कहीं ये मेरी बात आगे तक पहुंच सकती है और पहुंचा सकते हैं, क्योंकि एक गरीब आदमी तो पहुंचा नहीं सकता, एक बड़ा ही आदमी पहुंचा सकता है ये बात को, तो उसका कोई मेरे हिसाब से गुनाह नहीं होता है। बाकी अगर उसने गलत किया है तो फिर यकीनन जो कुछ हुआ उससे बीच सड़क पर अजय देवगन असहज हुए। आमतौर पर काम से काम रखने वाले इस सितारे की तकलीफ भी समझी जा सकती है, उन्हें राजदीप सिंह पर गुस्सा भी आया होगा, लेकिन अजय देवगन की इस परेशानी के लिए कहीं वे सारे सेलिब्रिटी भी तो जिम्मेदार नहीं, जो कुछ ही दिन पहले किसान आंदोलन पर ट्वीट खेल रहे। सोचिए, क्योंकि वक्त सोचने का है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।